नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान। लोकतंत्र के इस महापर्व की आपको बहुत सारी बधाई। आप सभी का स्वागत, मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। और मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा। तो राजस्थान में आज विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। आज है बड़ा दिन, मतदाता भी तैयार है। राजस्थान में आज प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। 199 सीटों पर 1863 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने के साथ ही मतदाता राजस्थान की सियासत का भविष्य तय करेंगे। आखिर राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी, ये तय हो जाएगा। ठीक है, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक यानी 11 घंटे तक मतदान होगा। चुनाव से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट सबसे पहले आपको बताएगा जी राजस्थान। और साथ ही जी राजस्थान वोटरों से अपील करता है कि मतदान जरूर करें और लोकतंत्र के इस पावन पर्व में अपनी हिस्सेदारी निभाएं। जी राजस्थान की अपील, जरूर करें मतदान, मजबूत बनाएं राजस्थान। और चलिए इस लोकतंत्र के महापर्व के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। गंबल से कैंडिडेट्स हैं, एमएलएज हैं, उनके खिलाफ नहीं, वो भी मैं समझता हूँ कि देखिए, एक तो झूठा बदनामी बहुत किया गया जानबूझ के आरएसएस बीजेपी ने। एमएलए के बारे में कह रहा था कि भाई 40 दिन तक हमारे साथ रहे थे वो, जिस प्रकार बीजेपी का जो षड्यंत्र है सरकार गिराने का, होस्टेडिंग करके मध्य प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक सरकार गिरा दी, 50 बार एमएलए टूट गए वहाँ पर। कोई 25 करोड़ की बात करे, कोई 30 करोड़ की बात करे, 35 करोड़ की बात करता है। हमारे यहाँ पहले की 10 करोड़ की थी, अगर एमएलए कोई साथ दे उनका तो सरकार गिर जाती हमारी। एक एमएलए छोड़ के नहीं गया हमें, अगर वो करप्ट होते तो 10 करोड़ रुपये कौन छोड़ता। तो ये बकवास है कि भाई सब करप्ट लोग थे। हाँ, करप्शन कहाँ नहीं होता है, कहीं थोड़ा बहुत हो सकता है। तो इसलिए वो जो लोग उम्मीद करते थे कि टिकट रिपीट होंगे तो लोग रिवोल्ट करेंगे, वो रिवोल्ट भी नहीं हुआ, बल्कि ज़्यादा रिवोल्ट हुआ बीजेपी के अंदर हुआ है। आप सोच सकते हैं कि बीजेपी क्यों रिवोल्ट हुआ ज़्यादा। तो इसलिए माहौल हमारे पक्ष में लगता है। सर, प्रचार के जो है हमेशा निशाने पर रहे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कई स्टेट के मुख्यमंत्री भी आए, चुनाव को पलटने की कोशिश की गई, दूसरा भी रंग दिया गया। आप कह रहे हैं आपने चुनावी सभाओं में आप लोकल इश्यूज पे बात करते रहे, लेकिन सेंटर में आप रहे। ऐसी भविष्यवाणी भी की गई कि आप जादूगर का जादू छू मंतर हो जाएगा और ये सब हो जाएगा। क्या लगता है आपको, आज जनता जो वोट करेगी तो इन बातों का असर पड़ेगा या आपके जो आपने क्या क्या नहीं बोले हैं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और 5-5 6 मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री क्या क्या नहीं बोले हैं मेरे बारे में, ईडी का कैसे कैसे उपयोग किया सब जानते हैं, पीसी प्रेसिडेंट के सीएम के परिवार वालों पर भी छोड़ा, सब होने के बावजूद भी लोग समझते हैं कि बकवास कर रहे हैं। इनका जो लहजा था बोलने का वो अच्छा नहीं था, लोकल इश्यू बात नहीं कही उन्होंने। तो मेरा मानना है कि लोग समझ गए हैं, इन्होंने हमारी कोई स्कीमों को टच ही नहीं किया, आलोचना करते उसकी कुछ नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि इस बार जो है मानस बन चुका लोगों का सरकार रिपीट करने का। सर, आखिरी सवाल आपसे, लोगों से क्या किसान के लोगों से आज कि आज वो आपके काम पर वोट दें, आपके नाम पर वोट दें, या क्या अपील रहेगी? आप राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ये आपकी अगर चौथी टर्म रहेगी, अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं सरकार आती है तो क्या कहेंगे आप? आपका ये 3 बार देखिए, वो फैसला हाईकमान करता हमारे मुख्यमंत्री, हम सबको मंजूर होता है, बहुत डिसिप्लिन हमारी पार्टी के अंदर। हाईकमान का फैसला अंतिम फैसला होता है, गिना के बाद में एमएलए राय ली जाती है, एमएलए से पब्लिक ओपिनियन क्या है वो देखा जाता है, हाईकमांड भी छोड़ देते हैं प्रस्ताव पारित करके, फैसला वो कर दे सोच समझ के, वो सबको मंजूर होता है। सर, ये फायदा आपको मिलेगा, बीजेपी से कोई चेहरा नहीं था सामने, सिर्फ ये चुनाव अशोक गहलोत बनाम नरेंद्र मोदी ज़्यादा लगा, बीजेपी का चेहरा नहीं था, इस बात का आपको लगता है कि बेनिफिट आप लोगों को मिल रहा है या नुकसान हो रहा है? देखिए,
प्रधानमंत्री जी वो जो कोई हो, कोई जमाना था एक मीटिंग या दो मीटिंग करते थे राज्यों में, गांव-गांव में मैसेज चला जाता था कि आज प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है, उसका विश्लेषण होता गांव-गांव में घर घर के अंदर। अब प्रधानमंत्री जी को 30-30 मीटिंग करनी पड़ती है, कल तक आए वो एक मीटिंग करने के लिए राजस्थान, मैसेज देने के लिए। तो आप सोच सकते हो कि वो जो भाषा का हम ले रहे थे वो सिर्फ इसलिए ले रहा, आप बार बार पूछ रहे मुझे आप पैटे कर रहे थे, इसलिए करते थे उनके दिल में दर्द है तो सरकार ने गिरा दी मध्य प्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र की, राजस्थान गवर्नमेंट गिरा नहीं पाए हम लोग, वो जो उनके दिल में दर्द है वो झलकता बार बार, इसलिए वो पिन पॉइंट करके जो कोई धावा बोल दिया राजस्थान पे वैसे कैंपेन उन्होंने किया है और अटैक किया हमारे सब पर, क्योंकि उनके दिल में दर्द है, सगा गिरा नहीं पाए हम लोग, जनता हमारा साथ थी उस वक्त में, आज भी साथ हैं, हाईकमांड पूरा मैनेजमेंट किया और आप देखा कि लाख कोशिश करने के बावजूद भी एस एडमिनिस्ट्रेशन बुलाने तक रोका गया, तब भी सगा गिरी नहीं उनसे, इसलिए वो दर्द है, इसलिए वो सब अटैक हो रहा हमारे ऊपर। सर आखिरी और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, जनता से क्या कहेंगे आज जब मतदान करने जाए जनता, तो क्या अपील करेंगे? मैं एक अपील करूंगा कि अगर छोटी बड़ी गलती भी कहीं हुई है, मान लीजिए गलती मुझसे भी हो सकती है, पर आपको अभी राज्य के हित को देखते हुए, राज्य के इंटरेस्ट के अंदर जब हमने सुशासन दिया है, इतनी अच्छी स्कीम दी है, हम चाहेंगे सरकार रिपीट होगी तो ही ये स्कीमें वापस मजबूत होगी, वरना कई स्कीमों तो सगा आते ही वो ख़त्म कर देते हैं हमारे, पहले भी रिफाइनरी बंद कर दी, मेट्रो बंद कर दिया, कई काम बंद कर दिए हमारे, उनकी फितरत में ये बातें हैं। हम चाहेंगे हम स्कीमों को और ज़्यादा स्कीम लेके आए, इन स्कीमों को और मजबूत करें, जो गारंटी दी उनको लागू करें, तो हमारा एजेंडा साफ है 2030 का, मिशन 2030 उस रूप में हम चल रहे हैं।